1946 में अमेरिका ने समंदर में न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ ये साबित करने के लिए फोड़ा कि उसके युद्ध पोत परमाणु विस्फोट से भी बच सकते हैं। लेकिन बॉम्ब फटने के बाद कुछ ऐसा हुआ जैसा उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। इस टेस्टिंग में अमेरिका ने समंदर के 90 फीट गहराई में बॉम्ब को उतारा और पानी के ऊपर 90 जहाजों को खड़ा किया, जिसमें एक जहाज बिल्कुल परमाणु बम के ऊपर था। लेकिन विस्फोट इतना भयानक हुआ कि परमाणु बम के ऊपर वाला जहाज एक सेकंड के अंदर ही भाप बन गया और बाकी के जहाज रेडिएशन के कारण समंदर में यूं ही छोड़ दिए। और इस टेस्टिंग में समंदर के लाखों जीव भी मारे गए। गाइस 2 महीने में 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।